हाय, मैं मेरा नम्रता। वेलकम टू फूड लव रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम पोहा। स्टीम पोहा बहुत ही हेल्दी होता है बिकॉज इसमें ऑयल यूज नहीं होता है। जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं या बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। चार प्लेट पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 3.5 बाउल पोहा, 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, नमकीन, मूंगफली के दाने, अनार फॉर गार्निशिंग, आधी टीस्पून सौंफ, आधी टीस्पून राई, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, पोहा मसाला, गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चीनी और स्टीम करने के लिए पानी। सबसे पहले हम पोहे को स्ट्रेनर में डालेंगे, उसके बाद हम उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे वॉश करने के बाद फिर हम उसे 2 मिनट के लिए रखे रहने देंगे। हम 2 मिनट पोहे को सोक करने के बाद हम एक बाउल लेंगे, उस बाउल में हम थोड़ा सा पानी, करीब 1/2 कप पानी लेंगे। उसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, फिर उस पोहे को हम इसमें डिप कर देंगे, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे हल्दी का रंग पोहे पर चढ़ जाए। पोहे को स्टीम करने के लिए आज हम 3-in-1 कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं। इनकेस अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। इसे वैसे मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, इसे आप नीचे दिए गए लिंक पर भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम प्लेट पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि पोहा चिपक ना जाए। प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद कढ़ाई में पानी डालेंगे, फिर प्लेट को रखेंगे। अब इसमें हम अपना पोहा डालेंगे। पूरी प्लेट में पोहा फैला लेंगे। पोहे को इसमें डालने के बाद फिर हम इसमें सौंफ डालेंगे। राई डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट। हाफ टी स्पून चीनी डालिए। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए पकने देंगे। ये पोहा स्टीम हो चुका है। अब हम थोड़ा सा एक प्लेट में लेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे, फिर हम एक प्लेट में ला डालेंगे पोहा। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे, जैसे पोहा मसाला, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमकीन, थोड़ा सा अनार के दाने, मूंगफली के दाने, थोड़ा सा लेमन। स्टीम
पोहा रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म खाएं और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।